अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ग्रेस नेटवर्क ब्लॉग। तो इस वक्त हूं मैं यहां पर मिर्ज़ा गालिब रोड पे, जो फेमस है क्लेयर रोड के नाम से। जी, ये वो स्ट्रीट है जो नाटपाड़ा जंक्शन को और बाइकल्ला के एरिया को आपस में जोड़ती है। और हमें ख़बर मिली है कि यहाँ पर एक बहुत ही फैबुलस और माउथ वाटरिंग टेम्पटिंग डिलीशियस खाने की रेस्टोरेंट खुली है, जिसका नाम है पर्शियाना द रॉयल डाइनिंग। यहाँ इस रेस्टोरेंट के खाने की हमने बहुत तारीफ सुनी है, तो सोचा आज ज़रूर यहाँ विज़िट किया जाए और रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर किया जाए और खाने को भी टेस्ट किया जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पर्शियाना रॉयल डाइनिंग में, आइए। सो गाइज, एज द नेम सजेस्ट, द रॉयल डाइनिंग वाकई रॉयल डाइनिंग है। सो दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ दिस रेस्टोरेंट एंड इट इज़ बिन डिवाइडेड इन टू ग्राउंड फ्लोर एंड द मेज़नाइन फ्लोर। और एक एरिया बाजू में भी है, वहाँ पर भी ग्राउंड फ्लोर और मेज़नाइन फ्लोर है। सो दोस्तों, दिस इज़ अनदर सेक्शन ऑफ पर्शियाना रेस्टोरेंट। एज यू सी, देर इज़ वन मोर डाइनिंग एरिया, दैट यहाँ पर भी एक डाइनिंग एरिया है और ये सेक्शन भी ग्राउंड और मेज़नाइन के अंदर कन्वर्टेड है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज़ कि यहाँ पर अगर अपनी फैमिली के साथ बर्थडे पार्टीज और छोटा सा गेट टुगेदर करना चाहते हैं 25 to 22 पीपल्स के लिए, तो अपर सेक्शन पे आप कर सकते हैं। सेपरेटली आपको दिया जाएगा विद नो डिस्टर्बेंस। और अगर आपकी बड़ी फैमिली है 40 to 45 पीपल्स, तो ये एंटायर एरिया द मेज़नाइन एंड द ग्राउंड फ्लोर आपको अलॉट कर दिया जाएगा स्पेशली फॉर योर फैमिली। यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ इत्मीनान के साथ बर्थडे गेट टुगेदर और खाने का भरपूर मज़ा ले सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये मेज़नाइन फ्लोर है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर छोटा सा गेट टुगेदर करना चाहते हैं, तो ये सेपरेट सेक्शन 20 to 25 के लिए आराम से अकोमोडेट कर सकता है। और यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ इत्मीनान के साथ इस रेस्टोरेंट का डिलीशियस और माउथ वाटरिंग खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, एज यू नो, हमने आपको पर्शियाना द रॉयल डाइनिंग की पूरी सैर करा दी है, इसका इंटीरियर दिखा दिया है। वी हैव शोन यू द किचन वेयर ऑल द मैजिक बिगिन। और अब बारी है यहाँ के जो यंग एंटरप्रेन्योर है, आपका जो यहाँ के ओनर है, इनसे एक छोटी सी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे इस रेस्टोरेंट के बारे में। तो सर, द फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ग्रेस नेटवर्क। और हमारे व्यूअर्स को जरा बताइए इस रेस्टोरेंट के बारे में, मतलब कब ओपन हुआ और यहाँ की क्या क्या स्पेशलिटी। ये हाल ही की रमज़ान में ओपन हुआ है। अच्छा, और टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अराउंड कितने मंथ हो गए अपना? आठ महीने हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अल्हम्दुलिल्लाह जो खाते अपना, खास बात है कि जो खाते रिपीट कस्टमर है, और पार्सल्स भी मंगाते जो खाते हैं, वो आना जरूरी है, आते ही है लोग। नहीं, वो तो मैं जब खाना चखूंगा तभी मुझे पता चलेगा। बराबर। और यहाँ की स्पेशलिटी क्या है आपकी खास रेस्टोरेंट? जैसे कि ये लामा चामा हो गया, ये सिग्नेचर डिश है पूरा मुंबई में, सिर्फ लामा चामा। ये साउथ अफ्रीका का डिश है, सिर्फ मेरा शेफ वहाँ पर था तो बना था, और कहीं पे नहीं मिलेगा। अच्छा, तो स्पेशल साउथ अफ्रीका। और कस्टमर खास ये पूछ के आती है, बोले लामा चामा अवेलेबल है कि नहीं है। सो इट्स अ काइंड ऑफ लैम और मटन चॉप है, फोर पीसेस चॉप। और द वे इट इज कुक्ड इज साउथ अफ्रीका।
चिकन या, या, या। अच्छा और इसके अलावा क्या है स्पेशल? और ये जैसे कि ये कैंटोनीज चिकन चाइनीज में कैंटोनीज चिकन अच्छा और ये है तवा चिकन। सो गाइस एज यू कैन सी सलामी प्रेजेंटेशन चिकन के फिलेट्स इन वन साइड एंड वी हैव ये है पोटैटो वेजेस ये ग्रेवी है और तवे में पूरा चिकन कुक हो के ऐसा हो वेरी वेल गार्निशड वेरी वेल प्रेजेंटेड और वो है अल्फाम अरेबिक कुजीन है लेकिन प्रॉपर हम लोग केरला मसाला में बनाते हैं अरेबिक टाइप का चिकन है मगर मेड इनटू केरला मसाला। चलिए नाम तो एक से बढ़कर एक है अब खा के देखते हैं यहाँ पर के कितना जायकेदार है। और इट विल बी 7 पीसेस। सो चलिए गाइस लेट्स गो एड एंड ट्राई द मोस्ट फेमस डिश हियर लामा चामा द साउथ अफ्रीकन डिश That is actually a lamb chop है मगर the way it is prepared is South African style तो थोड़ा spices शायद South African हो so let's try this काफ़ी soft and tender meat है Indian chop की तरह एकदम spicy और मसालेदार नहीं है हल्की फीकी है हल्का मसाले का इस्तेमाल किया गया है है तो लाजवाब सो गाइस टेस्ट में तो हल्की फीकी हल्का मिर्ची का इस्तेमाल किया गया है मगर इसकी एक बात यूनिक है कि ये जो डिश है ये सिर्फ आपको यहाँ पर पर्शियाना रेस्टोरेंट क्ले रोड पर ही मिलेगी और मुंबई में कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ के जो शेफ थे वो फ्रॉम साउथ अफ्रीकन तो उनका एक सिग्नेचर डिश है सो गाइस व्हेनेवर यू नेक्स्ट टाइम विजिट पर्शियाना रेस्टोरेंट डेफिनेटली ट्राई दिस डिश लामा चामा सो गाइज इसके बाद लेट्स गो एड एंड ट्राई द प्रॉन्स यहाँ पर द प्रॉन्स दैट इज मेड इन मेयोनीज एंड पेरी पेरी सॉस प्रॉन्स की साइज काफ़ी बड़ी है सो लेट्स गो एड एंड ट्राई दिस काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी फ्रेश है प्रॉन्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट मेयोनीज एंड पेरी पेरी सॉस दैट इज अमेजिंग So, दोस्तों let's go ahead and move forward for another dish that is called what is the name? Cantonese chicken. As you, this is a Chinese dish here. काफी पसंद की जाती है. So let's go ahead and try. Something unique and something different. काफी soya sauce और Szechuan sauce का combination है. लिटिल बिट स्पाइसी और जो फिश के जो फिलेस हैं ना वो बहुत नाइसली कट्स एंड वेरी वेल कुक्ड सो दोस्तों लेट्स मूव टू अनदर यूनिक आइटम हियर जैसा कि आप देख सकते हैं द प्रेजेंटेशन यूनिक आइटम चिकन विथ आलू तवा चिकन ऑन दिस साइड वी हैव अ चिकन फिले एंड दिस साइड वी हैव दम आलू और सेंटर में जो है उसकी ग्रेवी है वेरी वेल प्रेजेंटेड वेरी वेल गार्निश चलिए लेट्स ट्राई द ग्रेवी फर्स्ट वाओ नाइस अ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी कैन से अ चिकन टिक्का मसाला बट थोड़ी सी फीकी है काजू में बनी हुई डिश है एज यू कैन सी द काजू का जो फ्लेवर है वो बहुत एनहांस होकर आ रहा है एंड नाउ लेट्स ट्राई द चिकन फिले As you can see, nicely cut in a triangular shape. Yellow masala mein bani hui soft and tender chicken fillet. Very nicely cooked, very nicely presented. So now the dish of the day, an Arabic alfan chicken, right? Pepper alfan chicken. As you can see, the entire chicken, two pieces of breast and two pieces of leg. तो चलिए इसे भी ट्राई करते हैं तंदूरी चिकन है तो हाथ से खाना तो बनता ही है और इसका फ्लेवर जो है एनहांस करने के लिए यहाँ पर मेयोनीज दिया हुआ है सो लेट्स गो एड एंड ट्राई द चिकन अल्फान अरबिक स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है नॉट लाइक अ ऑर्डिनरी तंदूरी हल्की फीकी है जैसा कि अरबिक डिश खाई जाती है But very nicely cooked,
very nicely marinated. A true flavor of Arabic chicken. Chicken Alfan. So guys, we have just completed our meal. बहुत ही amazing presentation और बहुत ही delicious meal था. अब खाने के बाद बारी है dessert की. And that is not an ordinary dessert. A special Persiana का royal faluda, which is quite famous among clients here. काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं. तो हमने कहा कि हम भी try करके check कर लेते हैं. As you can see, multiple ice creams with faluda. Let's try the faluda. Amazing, irresistible, great faluda with lots of ice cream. So guys, only three words for Persiana royal dining: lajawab, lajawab, or lajawab. Amazing food, amazing ambience. चलिए थैंक्स करते हैं सलाह साहब का. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा खाना, रियली अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग फूड, स्पेशली दैट साउथ इंडियन फालूदा वगैरह. हाँ, वो साउथ इंडियन जो आइटम था वो, एंड बिलीव मी द फालूदा, बहुत अच्छा फालूदा था पर्शियाना का. ज़रूर ट्राई करें डेजर्ट के अंदर. एंड जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एड एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, दैट इज़ ग्रेस नेटवर्क ब्लॉग्स. मिलेंगे दोबारा एक नई जगह पे एक नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए कीप वॉचिंग द वीडियो एंड डेफिनेटली विजिट पर्शियाना, दैट इज़ लोकेटेड एट क्लेयर रोड. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज.